हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिमला नगर निगम को लाखों का टैक्स चुकाने के बावजूद मर्ज एरिया के हजारों लोगों को महंगा पानी पीने को मजिस समयूर होना पड़ रहा है। पानी के घरेलू कनेक्शन के लिए 18 वार्डों के लोगों को निगम की दो बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ रही है। शर्तें ना मानने पर उसे करीब 3 गुना अधिक कमर्शियल रेट पर पानी के बिल चुकाने पड़ रहे हैं। निगम के मुताबिक मर्ज एरिया के लोगों को पानी का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले घर का नक्शा दिखाना होगा। यदि नक्शा TCP या MC से पास हुआ तो उसे घरेलू दरों पर कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन यदि नक्शा नहीं है तो कमर्शियल कनेक्शन दिया जाएगा। उधर मर्ज एरिया के हजारों लोगों के मकान बिना नक्शों के बने हैं। लोगों का कहना है कि निगम और आने से पहले अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण थे। गांव और लोगों ने मर्जी से बिना नक्शों के मकान बना रखे हैं। अब निगम और शामिल होने पर शर्त लगा दी गई कि MC या TCP से नक्शा पास होना चाहिए। ऐसे और वह लोग कहां से नक्शे लाए जैसा निगम और आने से पहले ही मकान बना चुके थे। लोगों का कहना है कि इस शर्त से पहले बन चुके मकान मालिकों को राहत दी जानी चाहिए। IPH से NOC लेना जरूरी। निगम की दूसरी शर्त यह है कि उपभोक्ता को IPH से भी NOC लेनी होगी। जिस समय तलक IPH का पानी बंद नहीं होगा उसे MC घरेलू दरों पर पानी का कनेक्शन नहीं देगा। मर्ज एरिया और शामिल मजियाठ वार्ड के पार्षद दिवाकर शर्मा ने निगम हाउस और भी इस शर्त पर तुमत्ति जताई थी। पार्षद का कहना है कि जिस समय मर्ज एरिया के लोग टैक्स भर रहे हैं तो फिर उसे घरेलू कनेक्शन क्यों नहीं दिए जाते। कहा कि IPH से NOC लेने की शर्त गलत है, इसे हटाया जाना चाहिए। सांगटी वार्ड की पार्षद मीरा शर्मा ने कहा कि उनका पूरा वार्ड मर्ज एरिया है, ऐसे और निगम को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। लोअर ढली के पार्षद शैलेंद्र चौहान ने कहा कि वार्ड और लगातार लोग उनसे इसके बारे और शिकायतें कर रहे हैं। प्रशासन को पानी इस पर कदम उठाना होगा। 18 वार्डों के लोग झेल रहे परेशानी शहर और 18 वार्डों के हजारों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इन और उल्दू भट्टा, फुटू, मजियाठ, कच्ची घाटी, टूटी कंडी, ढली, मशोबरा, शांति विहार, भट्टा कुफर, सांगटी, मल्याणा, पंथा घाटी, कसुमपटी, विकासनगर, कंगनाथार, पटियोग, न्यू शिमला और खलीणी वार्ड के मर्ज एरिया की आबादी शामिल है। क्या कहते हैं मेयर, मर्ज एरिया से पानी के कनेक्शन को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। आचार संहिता के बाद इसके बारे और अफसरों से चर्चा की जाएगी। देखा जाएगा कि आखिर कैसे लोगों को शर्तों और राहत देकर घरेलू कनेक्शन दिए जा सकते हैं। कुसुम सदरेट मेयर नगर निगम शिमला अधीक्षण अभियंता को सौंपा है मामला। यह मामला हमारे ध्यान और है। अधीक्षण अभियंता को इसका हल निकालने को कहा गया है। इस माह होने वाले सदन और भी इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। प्रशांत सर कैक संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।